नमस्कार साथियों, एमसीडी जो कि आज की तारीख में कहीं ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी दिल्ली की जनता सब लोग जानते हैं कि फंक्शनली और फाइनेंशियली टोटली कोलैप्स कर चुकी है और आज की तारीख में सिर्फ अपनी छवि को बचाने की कोशिश किसी तरीके से कर रही है, एक झूठी छवि बनाने की कोशिश कर रही है कि काम हो रहा है एमसीडी में। इतने सालों से एक प्रचलन चलता आया है एमसीडी में कि जो काम पहले हो चुके हैं, जो पार्क हैं, रोड हैं, सड़कें हैं, गलियां हैं, नाली है, पुल है, उनको बार बार रीनेम करके और अपनी रोटियां, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जाती है एमसीडी के अंदर। उसी प्रथा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। पैसे जो डेवलपमेंट के काम के लिए इस्तेमाल करने थे वो लुटवा चुके हैं या लूट चुके हैं। जनता तक उस डेवलपमेंट के पैसे का कोई फायदा नहीं पहुंचा है, हम लोग सब जानते हैं, और बार बार पैसे को लेकर रोया जाता है। आज तक या पिछले साल का कहें तो तकरीबन 70 प्रोजेक्ट पूरे साल भर में थे जो कि रीनेम किए गए थे या नेम किए गए थे, दोबारा से उनका नाम रखा गया था या उनको नाम दिए गए थे। इस वक्त आज की तारीख में दिल्ली के अंदर किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट वर्क एमसीडी द्वारा नहीं किया जा रहा, पर एक साल के अंदर 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट रीनेम करने की एक कोशिश है। वहां पे शिलाएं लगाई जाएंगी, पत्थर लगाए जाएंगे और नाम किया जाएगा कि अथक प्रयास से इस एमसीडी के काउंसलर ने ये काम किया, उस एमसीडी के काउंसलर ने ये काम किया। जो पार्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे उन पार्कों को फिर से नाम किया जाएगा, जो रास्ते ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे उनको फिर से नाम दिया जाएगा, और इनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करने की प्लानिंग एमसीडी की चल रही है, एमसीडी कर रहा है। हमारी ये मांग है कि ये एक फाइनेंशियल करप्शन है, एक मिसयूज ऑफ फंड है, इसको ऑडिट करना चाहिए। इस तरीके के करप्शन के खिलाफ FIR होनी चाहिए और बीजेपी के श्रेष्ठ नेतृत्व को और पूरी की पूरी एमसीडी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि इस तरीके के मिसयूज ऑफ फंड क्यों किया जा रहा है, इससे क्या हासिल होने वाला है, जनता का क्या भला होने वाला है। ये 400 नाम दोबारा से देके कोरी राजनीति के अलावा ये क्या है। जो ऑडिट में ऑलरेडी उन लोगों ने क्वेरी लगाई, वो लोग ऑडिट के लिए तैयार नहीं है, वो लोग ये स्टे मांगते हैं, स्टे मांगा है उन्होंने कि ऑडिट ना करवा पाए दिल्ली सरकार और किसी तरीके से वो ऑडिट को रोक पाए। जी मैं स्पेसिफिक जांच की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर कैग के थ्रू हो चाहे जिसके भी थ्रू हो, पर ऑडिट स्पेसिफिकली ये जो शिला पट्टिकाएं जो बन रही हैं इनके ऊपर जांच करें कि इनसे इनमें कितना पैसा खर्च किया गया है जो कि डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकता था। 400 शिला पट्टिकाएं किस दाम पे आई हैं, कहां पे लगाई जा रही हैं, क्यों लगाई जा रही है, उन प्रोजेक्ट्स की क्या स्थिति पहले थी और आज है, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। जी कई सारे डिटेल्स मैं आपको अभी दे सकता हूँ, इसी वक्त दे सकता हूँ, पर मेजरली डिटेल्स आप जो है बाद में ऑफिस से कलेक्ट करा सकते हैं। जैसे एक पार्क है सेक्टर 16 रोहिणी में, उसका नाम रखा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती वाटिका, और उससे पहले उसका कुछ और नाम था, या उसके बाद में एक विलेज है दसघरा जहाँ पे दादा भैया मार्ग रखा गया है विलेज की जो डेटी है उनके नाम पे, या एक क्रॉसिंग है केशवपुरम C7 मार्केट में जहाँ पे क्रांति चौक रखा गया है, और मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर है ए ब्लॉक जहांगीरपुरी में, वहां पे मूलचंद मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर रखा गया है। एक पार्क है जनकपुरी में जिसको कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क रखा गया है। इसी तरीके से शकुरपुर में जो है एक कम्युनिटी हॉल है उसको फिर से रिनेम करके रामकृपाल शर्मा बरात घर रखा गया है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि हर वार्ड में तकरीबन पूरी की पूरी दिल्ली में रिनेम किए जा रहे हैं, किसी तरीके से रोजी पॉइंट्स जिन्हें कहते हैं उन्हें कमाने की कोशिश हो रही है। एक टेंट लगता है, जनता को वहां पे बुलाया जाता है, एक नई शिला पट्टिका रखी जाती है, उसका उद्घाटन होता है, सब लोग फोटो खिंचवाते हैं, लड्डू खाते हैं, मिठाई खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और अखबार में उसका खबर आ जाती है कि फला फला
पार्षद ने इतने बड़े पार्क का इनॉग्रेशन किया। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 25 दिसंबर को कांग्रेस के काउंसलर साहब ने बिजवासन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था और खबर यह है कि आने वाले एक डेढ़ महीने के अंदर बीजेपी के भी कुछ काउंसलर मिलकर उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर बार बार सिर्फ उद्घाटन करने हैं और कोई भी डेवलपमेंट कार्य नहीं करना है किसी को, तो ये चीज सामने आनी चाहिए, जनता को पता होना चाहिए कि उनका पैसा किस लिए और कहां पे यूज हो रहा है या मिसयूज हो रहा है। इनफैक्ट मैं कहूंगा ये पैसा मिसयूज भी नहीं, ये पैसा अब्यूज हो रहा है।